काफी मस्त एकदम इधर पक चुका है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत ही अच्छे होंगे। सोना चारो ब्लॉग पे आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, अभी सुबह का बज चुका है 6 और जल्दी हम उठ चुके थे। लगभग की 5:30 बजे हम उठ चुके थे। तो उठने के बाद में हमने बकरी निकाल दिए और पठरू तो यहाँ नाई के घर में ही ढका हुआ रहता है और बकरी जो है पुराने घर में रहता है, तो निकाल दिए। और अभी यहाँ पर ही लोग हैं और उसके बाद में बादल पूरी तरह से मौसम किया हुआ है इस तरह से। तो हमने सोचे कि क्यों ना टंकी में जो पानी चढ़ा हुआ है वो ख़त्म ना हो जाए, तो इस चलते हमने बहुत ज़्यादा पानी ला करके रख लिए हैं। और उसके बाद में अभी घर का झाड़ू लगाने के लिए बचा हुआ है, अभी फ़िलहाल हमको झाड़ू लगाना है। और रात में हम लोग को इतना ज़्यादा पानी मारा, इतना ज़्यादा कि मत पूछिए, एकदम पूरी तरह से आंगन इस तरह से भींगा हुआ है। और उसके बाद में तूफान भी बहुत ही तेज़ी से चला हुआ था, घर के अंदर भी झटास जा चुका था, ये देखिए। और यहाँ पर जो है ये देखिए, किचन का हालत हमारा इस तरह से हो गया है। तो किचन का दूरा पहले खोल लेते हैं। रात को बहुत तेज़ी से आया है आंधी तूफान, लगभग 2 बजे के आसपास आया हुआ है। देखिए पूरी तरह से भीग चुका है और यहाँ पर प्लास्टिक को पूरी तरह से बीचों बीच फाड़ दे रहा है। तो चलिए घर आंगन को पहले झाड़ू लगाते हैं। तो घर आंगन हमने झाड़ू लगा दिए हैं और अब चलते हैं। हम लोग का सरहुल आने वाला है, तो सरहुल से पहले ही हम लोग को जाना होता है दतून पते तोड़ने के लिए। तो सारे कोई जा चुके हैं तो हम भी चलते हैं। तुम भी दतून तोड़ने जाएगी? गुड मॉर्निंग बोलो तो। इधर देखो चारू, गुड मॉर्निंग बोल दो, हेलो दोस्तों बोल दो। तो चलते हैं हम। तो दतून ना पता ही लेकर के आ चुके हैं, अभी अभी जस्ट टाइम 8 बज रहा है और यहाँ पर चारू पापा खाना बना दे रहे हैं, भात पसा दे रहे हैं, देखिए। तो चलिए यहाँ पर है हमारा दतून और पतई, ये देखिए सखुआ का पत्ता काफ़ी मस्त एकदम सुंदर सुंदर है। और ये दतून, तो इसको रख देते हैं। और चारू को अभी तक ठंड नहीं भागा है। तुम स्वेटर खोल दो गुडू, स्वेटर खोल दो। तो चारू पापा आज खाना बना दिए हैं और हम उधर से आकर के बर्तन धो दिए, बर्तन धोने के लिए बचा हुआ था। और उसके बाद में यहाँ पर अभी खाना बन चुका है, तो सारे परिवार अभी खा रहे हैं। मम्मी भी अभी मम्मी का खाना लगा दिया है, मम्मी बोली कि तुम लोग खाना, हम बाद में खाएंगे। उनका तबीयत ठीक फिर से सीरियस हो रहा है, नहीं ठीक हो रहे हैं। तो चलिए फिर से उनको देखेंगे क्या है नहीं है। तो चलिए खाना खाते हैं। यहाँ पर चार पापा बना दिए हैं आलू टमाटर का सब्जी, और ये रात का हम लोग माड़ लगाए थे आलू वाला, और ये भात। तो खाते हैं, चारू पानी डाल के खा रही है। खाना खा लेते हैं। ना हमने 9 बजे के आसपास खा लिए थे, खा करके अभी टाइम हो रहा है, बज रहा है 1। और अभी देखिए हम लोग तरफ पानी आना शुरू कर दिया है और हम लोग दोनों माँ बेटी अभी जस्ट खाना खा लिए है ना गुड। ठंडा लग रहा है, चारू पानी को देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए पानी आ रहा है पूरी तरह से एकदम। और किचन में हम वहाँ पर टप लगा दिए हैं क्योंकि तिरपाल से चू रहा है, तो ज़्यादा वहाँ पर टप में चूहेगा। और उसके बाद में गमले में और चूल्हे को हम बोरा से ढक दिए हैं ताकि ज़्यादा पानी नीचे ना गिरेगा। तो गमला में भर गया है तो उसको हम उछल देते हैं, फिर उसके बाद में वहीं वहीं मड़ा देंगे। चारू देख रही है, कहाँ देख रही है गुड्डू? पानी देख रही है, पानी आ रहा है पूरी तरह से एकदम। आप लोग तरफ आ रहा है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम लोग तरफ तो आ रहा है बहुत तेज़ी से। पानी छोड़ दिया है, अभी टाइम हो रहा है, बज रहा है 4:30 और अभी सोच रहे हैं कि क्यों ना जल्दी जल्दी खाना पका लेते हैं, नहीं तो फिर रात को फिर से पानी आने लगेगा। तो चारू इसी जगह पर खेल रही है, तो सोच रहे हैं कि जल्दी खाना बना ले। तो यहाँ पर आटा थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इसी को सोच रहे हैं कि थोड़ा सा छिलका ही बना करके खा ले, ठीक लगेगा खाने के लिए। तो यहाँ पर हमने सारे तैयारी कर लिए हैं। तुम बैठ जाना बेटा, डिब्बा में बैठ रही है।
तो आटे को हम चाल लिए हैं और आटा हमारे पास लास्ट इतना ही सब बचा हुआ है, तो इसमें हम सारे कुछ डाल देंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा खाने के लिए। यहाँ पर हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद में हम यहाँ पर डाल देते हैं ये लाल मिर्चाई, और ये हमारा है मिक्स मसाला, इसको भी डाल देते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा है धनिया पाउडर, इसको भी डाल देंगे, और यहाँ पर हम डाल देते हैं ये हम लहसुन कूच लिए हैं तो लहसुन को डाल देंगे। लहसुन या अदरक रहेगा तो अच्छा लगेगा खाने के लिए, तो हमारे पास अदरक नहीं है तो हम लहसुन केवल डाल रहे हैं, और ये हमारा धनिया, इसको भी डाल देंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा खाने में, और ये हमारा है नमक, तो नमक को यहाँ पर डाल देते हैं स्वाद अनुसार। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पानी डाल के करछुल से ही, और थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमारा बन के तैयार हो चुका है आटा वाला, ये देखिए इस तरह से हमने बना दिए हैं। और चलिए अब ताई को गर्म हो गया है तो ताई में तेल डाल देते हैं, तो सखुआ का पत्ता को हम इस तरह से बना लिए हैं ताकि तेल ज्यादा नहीं जाएगा, मीडियम में जाएगा। और उसके बाद में अब यहाँ पर इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से डाल देंगे। बन गया इस तरह से डाल दिए हैं, अब इसको ढक देंगे। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, इस तरह से हो चुका है। अब इसको हम आराम से पलट देंगे इस तरह से, पहले चटुए को अंदर घुसा ले रहे हैं, साइड साइड से इसको छुड़ा लेंगे। बन गया, काफी मस्त एकदम इधर पक चुका है, और दूसरे साइड में पकने देंगे। ये लास्ट है, लास्ट ये बन रहा है, इसको भी अच्छे से पका ले रहे हैं। सभी खत्म हो गया, ज्यादा तो नहीं था आटा, खत्म हो गया है, तो ये तीन चार हमने बना दिए, और बना करके अब खाएंगे। यहाँ से टूक टूक के चारों लेकर के जा कर के उधर खा रही है। चलिए इसको भी खत्म करते हैं, लास्ट बन के हो गया तैयार। चलिए अब इसको नाश्ता कर लेते हैं, खा लेते हैं, फिर उसके बाद में भी खाना बनाते हैं। जल्दी जल्दी बन के हो गया तैयार, रोटी हमारा बन के तैयार हो चुका है, तो अभी यहाँ पर गर्मा गर्म खा ले रहे हैं, तो सारे परिवार अभी खाएंगे। और चारू अभी बाथरूम गई है, तो उसको बाथरूम जाने दिए हैं, तब तक यहाँ पर खा ले रहे हैं। वो तो पहले ही से गर्मा गर्म खा चुकी है तो, और उसके लिए रख दिए हैं, तो खाते हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगता है, मुंह में तो पहले खत्म कर लो, बहुत मस्त बना हुआ है। रोटी हम लोग खा लिए, खाने के बाद में अभी तो शाम का बन रहा है खाना, और खाने में हम यहाँ पर बना रहे हैं, चावल डाल दिए हैं, और उसके बाद में यहाँ पर हम काट करके रखे हैं बोदी और आलू, बोदी आलू का बनेगा सब्जी। तो चलिए ज़्यादा ब्लॉग को लंबा नहीं करते हैं, बस एंड तक यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे कल के वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।